हसीन दिलरुबा उन मर्दों के लिए एक चेतावनी है जो खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में पड़कर अपने हाथ और नाक दोनों को कटवा देते हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को नदी में स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है और फिर एक औरत गली के कुत्तों को कुछ खिला रही है। तभी पीछे एक घर में विस्फोट हो जाता है और वो औरत अंदर जाकर देखती है तो वहाँ किसी का हाथ पड़ा है और उस हाथ में रानी के नाम का टैटू बना हुआ है और इसी औरत का नाम है रानी। पुलिस आती है और जांच में पाती है कि मरने वाले आदमी के सिर पर पहले किसी चीज से वार किया गया था और मरने वाला आदमी रानी का पति है। रानी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। ये कहानी है ऋषभ सक्सेना उर्फ ऋषु की, जो अपनी माँ लता और प्रीता ब्रजराज के साथ ज्वालापुर में रहता है। वो एक इंजीनियर है और शादी के लिए एक लड़की की तलाश में है। उसकी माँ से हमें पता चलता है कि वो 2 साल पहले जब एक लड़की को देखने के लिए गया था तो उसे वो लड़की काफी पसंद आई थी और जब उस लड़की से ऋषु ने पूछा कि तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है तो उस लड़की ने जवाब दिया मदन, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड, और इस तरह से वहाँ उसकी दाल नहीं गली। और हमारा ऋषु अब तक उस लड़की को भुला नहीं पाया है। उसकी खोज उसे दिल्ली में रानी कश्यप तक ले जाती है। रानी जो खिड़की से अपने होने वाले पति को देख रही है और ऋषु भी उसको देखकर बावला हो जाता है। बातचीत के दौरान रानी की माँ रानी की तारीफ कर रही है कि ये सारी डिशेज उसी ने बनाई है क्योंकि वो चाहती है कि उनका जल्दी से अपनी रानी बिटिया से पीछा छूटे। वो उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी घरेलू टाइप की है। वहाँ रानी की मौसी रानी को इस लड़के यानी कि ऋषु के लिए हाँ कहने को कहती है क्योंकि एक तो रानी की उम्र होती जा रही है और वो दूसरा मांगलिक है। इस वजह से 2 साल में उसके लिए सिर्फ 2 रिश्ते आए हैं जिनसे उसकी कुंडली मैच हुई है, जिसमें से एक टकला है और दूसरा ऋषु। मौसी बाहर आकर बताती है कि रानी ने ऋषु को अंदर किचन में बुलाया है। उसकी माँ ऋषु को समझाती है कि अब इस बार मत पूछ लेना कि तुम्हें और क्या क्या पसंद है। अंदर जाकर जब वो रानी से मिलता है वो काफी शर्मा रहा होता है, इसलिए रानी खुद ही अपने बारे में उसे बताने लगती है कि उसने इंग्लिश लिटरेचर से MA किया है और टाइम पास के लिए ब्यूटी सलोन में मैनेजर की जॉब कर रही है और उसे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो काफी होमली टाइप की है और ऋषु को काफी अच्छा कॉम्बो मिल रहा है, तन मन का धन। वहाँ उसकी माँ रानी की माँ से कहती है कि उनकी बस 2 डिमांड्स हैं, एक तो लड़की होमली हो और दूसरी सिंपल। रानी की माँ कहती है फिर तो ये राम सीता की जोड़ी है। रानी ऋषु से पूछती है कि आपने दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़े हैं, वो बेस्ट क्राइम नॉवेल्स लिखता है, वो छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करा देता है। रानी ऋषु से उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि छुट्टी वाले दिन उसके पड़ोसी उसे कभी फ्रिज तो कभी पंखा ठीक करने के लिए घर बुला लेते हैं। वो इंजीनियर है इसलिए यही सब उसकी हॉबीज हैं। रानी उसे उसकी हॉबीज के काम दे देती है और पंखा ठीक करने को कहती है। ऋषु की माँ टॉयलेट करने के बहाने किचन में आती है और देखती है कि ऋषु वहाँ पंखा ठीक कर रहा है। वो उन्हें फाइनल डिसीजन बताने की बात कहकर वहाँ से चले आते हैं। ऋषु की माँ कहती है कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं जहर पी लूंगी। ऋषु कहता है कि उसे रानी पसंद है। उसकी माँ कहती है ठीक है फिर मैं यहाँ लटक जाती हूँ, हमारी अस्थियाँ बहा देना और फिर ले आना अपनी प्यारी रानी को। और जब वो देखती है कि कोई उसे मरने से नहीं रोक रहा तो वो कहती है मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। वो वहाँ बैठे अपने पति से कहती है तुम तो हिल भी नहीं रहे। इस पर वो कहता है डिसाइड कर लो तुम्हें किस तरह से मरना है। उसकी माँ कहती है कि ऋषु तुमसे वो लड़की हैंडल नहीं होगी। ऋषु कहता है वो इंजीनियर है, 100-100 वोल्ट की तारें हैंडल कर सकता है तो वो क्या चीज है। वहाँ रानी कहती है कि उस लड़की की तो किस्मत खुल गई मेरे जैसी टोटा लड़की पाकर। और ऋषु भैया अब दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़ने लगते हैं और इतने बावले हो जाते हैं कि रानी के नाम का टैटू अपनी कलाई में गुदवा लेते हैं। फाइनली ऋषु और रानी की शादी हो जाती है और आपको लगता होगा कि अब सुहागरात का सीन बनेगा, लेकिन नहीं। यहाँ हम रानी को पुलिस स्टेशन में बैठा देखते हैं और हमें पता चलता है कि ऋषु मर चुका है और रानी मेन सस्पेक्ट है। उनकी शादी को 2 महीने बीत चुके हैं और पुलिस इंस्पेक्टर किशोर रानी से पूछता है कि तुमने क्यों इतने प्यार करने वाले इंसान की जान ले ली, लेकिन रानी कहती है कि उसने अपने पति को नहीं मारा। कहानी 2 महीने पीछे जाती है। शादी के बाद रानी अपने ससुराल ज्वालापुर आ चुकी है और उसके वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि उसे ज्वालापुर बिल्कुल पसंद नहीं आया और शायद ज्वालापुर को भी वो एक आंख नहीं भाई क्योंकि उस दिन काफी बारिश हुई जिसकी वजह से शहर पानी पानी हो गया। और ऋषु से पूछती है कि शादी में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि इस बारिश की वजह से उसने ज्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया। वो वॉशरूम जाती है और तभी दरवाजा खुला होने की वजह से पानी उनके बेडरूम तक आ जाता है
और ऋषि पोछा लेकर शुरू हो जाता है। रानी ये सब देखती है और बिना कुछ कहे सो जाती है। अगले सुबह वो देर से उठती है और चाय के लिए पूछती है। ऋषि कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, लेकिन सासु माँ उसे रोक देती है और रानी से कहती है कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई है और आज तुम चाय और पकौड़े बनाओ। और अब सासु माँ को पता चलता है रानी सिंपल और घरेलू लड़की नहीं है, उसे तो चाय तक बनानी नहीं आती। रात में दोनों बेडरूम में होते हैं और ऋषि उसे बताता है कि वो हनीमून में गोवा चलेंगे। बातों बातों में रानी को पता चलता है कि ऋषि को एक लड़की पसंद थी, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गली, जिसे सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें बैठे बिठाए बिना मेहनत की एक हॉट लड़की मिल गई, लेकिन तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है। वो उस पर चिल्लाने लगती है। ऋषि खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। अगले दिन ऋषि सब्जी लेकर आता है तो उसकी माँ कहती है, खुद तो तुम चले गए मार्केट और हमें छोड़ गए इस ब्यूटी पार्लर के साथ। देखो अपने नए बाप को क्या किया है तुम्हारी रानी ने, हमारा जुलूस निकाल रही है ये अपने ससुर के बालों को कलर करके। मैं किचन में दिन भर काम करूं और ये महारानी अपनी तशरीफ तक नहीं हिलाए। छत पर ऋषि का दोस्त ऋषि को समझाता है कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखो, तुमने तो उसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। वहाँ रानी अपनी माँ से बात कर रही है और बताती है कि अब तक उसके और ऋषि के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर उसकी माँ रानी को ऋषि को रिझाने के लिए कहती है और उसे आइडिया देती है कि जब कभी भी तुम्हें मौका मिले तो अपना पल्लू गिरा देना और फिर वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। अगले दिन जब ऋषि रानी को चाय के लिए कहता है तो रानी अपना पल्लू गिरा देती है और उसकी सासू माँ उसकी वो सब हरकतें देख रही होती है। जब ऋषि उससे मूली के पराठे मांगता है तो रानी फिर से अपनी साड़ी का पल्लू गिराकर उसे रिझाने लगती है और सासू माँ फिर वो सब देख लेती है। जब ऋषि प्रेस कर रहा होता है तो रानी अपना पल्लू फिर से गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटक जाता है और सासू माँ आकर कहती है कि रात में क्या तुम सांप सीढ़ी खेलते हो जो दिन में तुम्हें पल्लू गिराना पड़ता है। ससुर पूछता है कि क्या हुआ। सासू माँ कहती है कुछ नहीं, तुम सीरियल देखो। वहाँ ऋषि का फ्रेंड ऋषि को बेडरूम पर शेर बनने को कहता है। रात में ऋषि सेक्स पावर बढ़ाने वाली होम्योपैथी की दो ड्रॉप्स पानी में मिलाकर पीता है और बेड पर चढ़कर प्रैक्टिस करने लगता है। रानी आती है और उससे अपने ब्लाउज के हुक्स खोलने को कहती है। उसके बाद वो कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता क्योंकि ऋषि का एक्साइटमेंट के चक्कर में बहुत जल्दी फॉल हो जाता है। सुबह ऋषि रानी को उसकी माँ और उसकी मौसी से बात करते हुए सुनता है कि ऋषि बिस्तर पर अच्छा नहीं है और वो जुगनू निकला, उसका काम होते ही वो फुस हो गया। ऋषि वो सब सुनकर दुखी हो जाता है और रानी से बात करना बंद कर देता है। रानी अकेले पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ऋषि को क्या हुआ है। एक दिन ऋषि का चचेरा भाई नील त्रिपाठी वहाँ रहने आता है। नील काफी तेज तर्रार और हैंडसम बंदा है, रानी उस पर मोहित हो जाती है। नील को पता चल जाता है कि रानी उसकी तरफ अट्रैक्ट है। वो किचन चाय बनाने आती है और वहाँ ऋषि होता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम चाय पियोगे और एक सिप पीकर वहाँ से चला जाता है। रानी वो चाय नील के लिए लेकर आती है और नील उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ रानी अब घर के कामों में इंटरेस्ट लेने लगती है जो ऋषि को काफी पसंद आता है। एक दिन नील मटन खाने की इच्छा व्यक्त करता है। रानी जो शाकाहारी है मान जाती है। जिसने आज तक एक रोटी तक नहीं बनाई वो आज नॉनवेज बनाने जा रही थी। वो मांस खरीदने निकल जाती है। इसी दिन वो नील से ये भी बता देती है कि वो इस शादी को खत्म करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। नील घबरा जाता है और बिना मटन खाए वहाँ से भाग जाता है। रानी शॉक्ड हो जाती है और वो ऋषि को सब कुछ बता देती है। ऋषि जो एक नई शुरुआत करना चाहता था लेकिन ये जहरीला सच उसे और भी ज्यादा आहत कर देता है और वो सदमे में रानी का बनाया मटन खाने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और किशोर को लगता है कि रानी एक झूठी औरत है और उसे एक झूठी कहानी सुना रही है। वहाँ ऋषि अब सपने में भी नील और रानी की रासलीला देखने लगता है और नील के पास पेचकस लेकर पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन निशाना उल्टा पड़ जाता है और नील ऋषि को पीट देता है। सुबह नील देखता है कि ऋषि अभी भी वहीं बैठा है। वो उसे बुलाता है कि तुम्हारी बीवी को तुमसे कुछ मिला नहीं इसलिए वो मेरे पास आई। इस पर ऋषि उससे कहता है, तुम्हें लगा तुम्हारे भैया सूतियाँ हैं, काट लो इनका और इनके लुगाई का। ऋषि वापस आता है और रानी को पता चलता है कि ऋषि नील से पिटकर आया है। ऋषि रानी को घर से चले जाने को कहता है। अगले दिन जब वो सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होती है तो बाहर खड़े नील के दोस्त रानी के साथ बदतमीजी करते हैं और गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। वो सब सुनकर ऋषि बाहर आता है और रानी को अंदर जाने को कहता है। ऋषि ऑटो का वेट करने लगता है, लेकिन वो लड़की ऋषि के सामने भी रानी के बारे में बहुत गलत सलत और काफी अपमानजनक बातें बोलते हैं। वो रिक्शा रुकवाता है लेकिन रानी उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी चाहे जो भी हो जाए। वहाँ किशोर को अभी यकीन है कि रानी ही कातिल है। रानी उसे दिनेश पंडित की लिखी हुई कुछ शायरियाँ सुनाने लगती हैं। किशोर कहता है, पहले इस साले दिनेश पंडित को लेकर आओ, अच्छे से बजाऊं इसकी। वहाँ एक दिन रानी सीढ़ियों से फिसल जाती है। ऋषि अपनी कार साफ कर रहा होता है और वो रानी को देखता है, लेकिन वो उसको उठाने में बिल्कुल मदद नहीं करता। उसकी आंखों में रानी के लिए नफरत साफ साफ दिखती है और रानी सीढ़ियों पर पेपर सोप देखती है
जिसकी वजह से वो फिसल गई थी। वो रिशु से प्रेस वाले को देने के लिए पैसे मांगती है। रिशु उसे उसके पर्स से पैसे लेने को कहता है और जब वो रिशु का पर्स खोलती है तो उसे उस पर्स में पेपर सोप मिलता है। रानी समझ जाती है कि वो सीढ़ियों पर पेपर सोप रिशु ने ही रखा था। इस तरह से रिशु कई बार रानी को हर्ट करता है। रानी समझ जाती है कि उसका पति एक पागल सिरफिरे आशिक में बदल चुका है। एक दिन छत पर वो अपने फ्रेंड के साथ पी रहा होता है, तभी वहाँ रानी आकर पूछती है कि क्या खाना लगा दूं। इस पर रिशु कहता है हाँ लगा दो और थोड़ा सा जहर भी मिला देना। उसका दोस्त मौके की नजाकत समझ के वहाँ से खिसक लेता है। रानी रिशु से कहती है कि मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन इस तरह से मुझे सजा मत दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो छत की मेड़ पर खड़ी होकर कहती है कि दे दो मुझे धक्का, मार डालो। रिशु उसके पास आता है और उसे धक्का दे देता है, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। रानी कहती है तुम्हें अगर मुझे मारना होता तो कब का मार चुके होते, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। कई मिनटों के बाद रिशु रानी को माफ कर देता है और दोनों एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो मूवी देखने मॉल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें नील किसी लड़की के साथ दिखता है। रानी उतर कर नील की बाइक का मिरर तोड़ देती है। नील वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अकेला वापस आता है और रिशु से कहता है कि भाभी जी से पूछो कि क्या वो बाइक के पीछे बैठेंगी। ये सुनकर रिशु को गुस्सा आ जाता है। नील का अपनी कार से पीछा करने लगता है और कई बार रिशु नील की बाइक को अपनी कार से ठोकता है। नील घबराकर एक सूखी पड़ी नदी की तरफ बाइक मोड़ देता है और उस जगह रिशु की कार फंस जाती है। किसी तरह वो कार को गैराज के पास लाते हैं और वहां रानी को पता चलता है कि रिशु ने भी दिनेश पंडित की नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया है। वो दोनों वहीं एक खोपचे में जाकर पहली बार अपना सुहाग दिन मनाते हैं। किशोर रानी को लेकर उसके मोहल्ले में आता है और फिर से उस दिन की घटना के ऊपर चर्चा करता है कि पड़ोसियों ने उन्हें क्या बताया था कि उस दिन नील जब उनके घर पे आया तो थोड़ी देर बाद रिशु भी घर पर आ गया। उस दिन एक बच्ची ने बताया था कि रानी दीदी जब घर से सामान लेने के लिए बाहर निकली थी तो रानी ने उस बच्ची से रिशु भैया को दरवाजा बंद करने को कहा था, लेकिन दरवाजा नील ने बंद किया था। एक चश्मदीद रिक्शे वाले से उस दिन के बारे में पूछता है। वो रिक्शा वाला बताता है कि उस दिन रानी उसी के साथ नॉनवेज लेने गई थी और वापस आकर वो कुत्तों को नॉनवेज खिलाने लगी और थोड़ी देर बाद उनके घर में ब्लास्ट हो गया। किशोर पूछता है कि रिशु और नील के बीच इतनी टेंशन थी, फिर रानी उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर क्या करने गई। इस पर एक कांस्टेबल कहता है क्या पता वो हथियार छिपाने के लिए बाहर गई हो। तभी किशोर को एक कॉल आता है और एक फुटेज सामने आता है कि नील रिशु के घर के पीछे से एक नदी में तैर कर विस्फोट होने से ठीक पहले भाग रहा था। किशोर रानी से पूछता है कि तुम्हारा आशिक कहाँ है, लेकिन रानी कहती है मुझे नहीं पता। इस पर वो कांस्टेबल रानी को अंदर डालकर काफी सूदती है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलती। किशोर रानी को छोड़ने को कहता है। वहाँ किशोर का सुप्रीम उसे भाभी जी का केस छोड़कर किसी दूसरे केस पर ध्यान देने को कहता है। किशोर उनसे दो दिन का समय मांगता है। अगले दिन किशोर रानी का झूठ पकड़ो मशीन से टेस्ट कराने वाला है, लेकिन रानी बाथरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम जाती है और अपनी जूती में एक कील चुभो देती है ताकि उसे पेन हो, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट सेम रहे और झूठ पकड़ो मशीन में उसका झूठ पकड़ा ना जाए। और ऐसा ही होता है। बाहर आकर झूठ पकड़ो मशीन संचालक किशोर से पूछता है कि क्या रानी हमेशा से ये फुटवेयर पहनती थी, क्योंकि वो लंगड़ाकर चल रही है। इस पर कांस्टेबल उसकी जूती चेक करती है तो उसे वो कील मिल जाती है, लेकिन उस कील को हटाने के बावजूद भी रानी टेस्ट में पास हो जाती है। और फिर वो उस दिन की कहानी सुनाती है जब ब्लास्ट हुआ था। कुछ महीने पहले जब उसके सास ससुर कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं और रिशु भी घर का सामान लेने के लिए मार्केट चला जाता है तो नील रिशु के घर आता है। जब रिशु घर पर नहीं था और वो अचानक रानी की अपेक्षा से पहले लौट आता है तो नील रिशु से कहता है कि रानी उसके साथ भागने को तैयार है। रानी कहती है ये झूठ बोल रहा है। रिशु रानी को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो नील के साथ चीजों को सुलझा सके। रानी सामान लेने बाहर चली जाती है और एक बच्ची से कहती है कि रिशु भैया से कहो कि दरवाजा बंद कर ले। रानी जब बाजार से लौटती है और कुत्तों को मटन खिला रही थी तो एक धमाका होता है और जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसे रिशु का कटा हुआ हाथ दिखता है जिसमें रानी लिखा हुआ था। वो रिशु के लिए रोने लगती है। चोर रानी पर हत्यारा होने का आरोप लगाने में विफल रहते हैं। जब उन्होंने पॉलीग्राफ क्लियर किया और वो खुशी खुशी पुलिस स्टेशन छोड़ देती है, रानी की होठों पर एक अजीब किस्म की मुस्कान देखते हैं। कहानी 5 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। किशोर का ट्रांसफर हो गया है और वो रेलवे स्टेशन पर है जहां उसे दिनेश पंडित की एक नॉवल कसौली का कहर दिखती है, जिसका जिक्र रानी ने उसके सामने कई बार किया था। वो उस नॉवल को पढ़ने लगता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि जब नील उस दिन उसके घर आया था और रिशु सामान लेकर वापस लौटा तो नील झूठ कहते कि रानी उसके साथ जाने को तैयार हो गई है। रानी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है तो वो रानी के साथ झगड़ा करता है और रानी के नेकेड वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में लीक करने की धमकी देता है।
इससे नाराज ऋषु उस पर हमला करता है और लड़ाई में रानी अपने पति को बचाने के लिए नील के सिर पर मटन के एक बड़े टुकड़े से वार करती है और गलती से उसे मार देती है। ऋषु नहीं चाहता था कि रानी पकड़ी जाए क्योंकि अभी अभी उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और अपना टैटू वाला हाथ काट देता है और इसे वहां रखता है जहां नील था। वो नील को अपने कपड़े पहनाता है और विस्फोट कर देता है ताकि ऐसा लगे कि ये उसका शरीर है और नील के कपड़ों में पीछे के रास्ते से भाग जाता है। रानी बाजार जाती है और हत्या के हथियार को टुकड़े टुकड़े करवा देती है जिसे बाद में वो उन टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिला देती है। रानी को हम रेलवे स्टेशन पर देखते हैं और चलते चलते ऋषु भी उसके साथ चलने लगता है। उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन अब ऋषु भैया को एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये कहावत रानी और ऋषु पर ठीक बैठती है कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। गाइस ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, एक मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं करेगी। आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन किया है, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाय बाय।